श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। उन्होंने देश के हालात को देखते हुए यह कदम उठाया है। बता दें कि श्रीलंका में पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन बढ़ता देख वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग निकले। मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहाँ 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे। इस समय राष्ट्रपति पद की दौड़ में देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा सहित कुल 4 नेता शामिल हैं।